नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनीस होटल में राजेंद्र प्रसाद। आप देख पा रहे हैं सीधा लाइव जीनीस होटल पर। और मैं आपको बता दूं कि आज हम सवाई माधोपुर में हैं, जिनवर से सवाई माधोपुर में थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया और पूरे देश में इनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर सर्किल सवाई माधोपुर से मैं सीधा लाइव आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से अभी कुछ ही देर में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं सीधी तैयारी। आपने देखा अभी बाबा साहब की 130वीं जयंती पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया, और जो भी उनके अन्यायी थे, जो भक्त हैं, वो एक दूसरे का केक खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं। और आइए अब मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले शिक्षक संघ अंबेडकर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ सारे मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं मुलाकात करवाता हूँ नेमराज बाकुलिया जी से। सर, आज 130वीं जयंती पर आप क्या कहना चाहोगे और अपने जो तमाम जो अन्यायी है, जो तमाम भक्त हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। सब लोगों को बाबा साहब के साहित्य को पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। और सबसे पहले बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य है कि जब तक इंसान पढ़ता नहीं, जब तक एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता, जब तक शिक्षा अर्जन नहीं कर सकता, तब तक वो किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो मैं यही ज़्यादा संदेश देना चाहूँगा कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में भागीदारी निभानी चाहिए, और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार और जो कर्तव्य हैं और जो हमारे हक हैं, जो सिर्फ हमको मिलते हैं, तो केवल भारतीय संविधान से मिल सकते हैं। पूरा भारतीय संविधान से चल रहा है, इसलिए जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, जब तक संविधान को हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने अधिकार और हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और मैं यही कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े। हाँ सर, मैं रामराज मीणा, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला महामंत्री, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि
पहली पीढ़ी पढ़ी है और यानी कि 15-20 साल के शासन काल में हम इतने समझ गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन शासन बाबा साहब के विचारों के आधार पर चलेगा ये देश का, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज के कार्यक्रम को देख के हम इतने उत्साहित हैं कि आगे इससे भी बेहतर कार्यक्रम करेंगे और दावे के साथ कह सकते हैं आने वाले समय बाबा साहब के संविधान का होगा। चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, कोई पढ़ के सीखता है कोई सुन के सीखता है, तो हम पूर्ण विश्वास हो गया है हमें कि आज पब्लिक जाग गई है। आज के रक्त शिविर में हमने देखा सबसे ज्यादा शिक्षक संघ अम्बेडकर के लोग थे और उससे जो दूसरे लोग थे वो भीम आर्मी के थे। हाँ, सभी लोगों का योगदान रहा, लेकिन इन लोगों का जो बढ़ चढ़ कर हमने योगदान देखा उससे हम भयंकर और बहुत ज्यादा उत्साह और बहुत ज्यादा मोटिवेट है। आगे हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और आम पब्लिक की सेवा करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षक संघ अम्बेडकर। जी धन्यवाद सर। पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आज बाबा साहब की 130वीं जो जयंती मनाई गई है और राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर द्वारा जो एक भव्य आयोजन किया गया है रक्तदान शिविर का, ये बहुत ही सराहनीय काम है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। आज की सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर द्वारा इतना विशाल जो रक्तदान शिविर रखा गया कार्यक्रम, उसमें 111 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था, ये बहुत ही इतिहासकारी है और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला पल रहा आज का। और हमेशा मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने बच्चियों को सबको शिक्षित करें। शिक्षा एक ऐसा सैन्य का दूध है, जो शिक्षा जो दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। और मैं सभी से के निवेदन करना चाहता हूँ, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई गई है, इस पर हमको सबको प्रण लेना होगा कि हमेशा संविधान की रक्षा के लिए हमें तन मन धन और जितनी भी जरूरत पड़ेगी अपने बलिदानों की वो देंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान कभी झुकने नहीं देंगे। और हम बाबा साहब के अधिकारों के लिए सबको जागरूक करेंगे और संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। आप सर? मैं राम अवतार मीणा, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ब्लॉक अध्यक्ष सवाई माधोपुर। आज जो बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाई गई, वो बाबा साहब राष्ट्र निर्माता ही नहीं बल्कि संविधान निर्माता तो है ही, और विश्व में सबसे जो है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। उनके आदर्श, उनकी एक ही जो है भावना थी कि पूरे विश्व में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। हम उनके इरादों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकेगा उतना कार्य करते रहेंगे। और आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तरफ से जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 100 का लक्ष्य रखा गया था ब्लड डोनेट का, 100 यूनिट का, उसका 111 यूनिट डोनेट करके और एक अच्छा संदेश दिया है। और मैं सभी देशवासियों को और समस्त जो शिक्षक साथी, जितने भी सामाजिक संगठन कार्यकर्ता और जिन्होंने भी इसमें कार्यक्रम में ब्लड डोनेट किया, उनके जो है सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब के संदेश को आगे बढ़ाने में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और भारत में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आदरमान साहब, आप 52 माह से चलकर सवाई माधोपुर आए हो आप इस परम में शामिल होने के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे? आज जो बाबा साहब की जयंती है उसके बारे में भाइयों ने काफ़ी बताया है। बाकी हमारा विचार था कि बाबा साहब के जो भी संविधान के भी जो विचार हैं उनको अच्छे से हम सब में एकता का संदेश दें, एकजुट होकर हम सब अपने विचारों में बाबा साहब के जो संविधान की नीतियाँ हैं उनका पालन करें। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे 130वीं जयंती पर केक का काट कर इन्होंने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, वो चुराया है यहाँ। बने रहिए जीनित पोर्टल पर, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम